So let's do one example for upper tail test, sorry, two tail test. और हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे टू पॉपुलेशन वेरियंसेस को इस केस के अंदर। तो आप यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये कह रहा है कि डलस काउंटी स्कूल्स इज रिन्यूइंग इट्स स्कूल बस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट फॉर कमिंग ईयर एंड मस्ट सेलेक्ट वन ऑफ द टू बस कंपनीज। दो बस कंपनीज हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, तो एक डलस काउंटी स्कूल जो है वो स्कूल सिस्टम है ऐसे समझें, जिनको चाहिए कोई बस सर्विस यानी जो हायर करे और वो उनके बसेस पर अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज दे सके, या किसी इवेंट के लिए वो हायर करना चाह रहे हैं या कुछ भी। तो वो उन्होंने दो जो है वो कंसीडर की हुई हैं कंपनीज जिनसे वो सर्विसेज लेंगे, एक है मिलबैंक कंपनी और दूसरी है द गल्फ पार्क कंपनी। यानी दो कंपनीज है असेंशली, एक का नाम है मिलबैंक कंपनी, ये भी बस सर्विस प्रोवाइड करती है, और दूसरी है गल्फ पार्क कंपनी। वी विल यूज द वेरियंस ऑफ द अराइवल और पिकअप डिलीवरी टाइम्स एज अ प्राइमरी मेजर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द बस सर्विस। हम ये चेक करना चाहेंगे कि कौन सी कंपनी के बसेस के अंदर जो वेरियंस है अराइवल टाइम्स के अंदर वो लोअर है, यानी लो वेरियंस है। लो वेरियंस का मतलब है कि वो उनके अंदर जो अराइव करने के अंदर जो एरर रहता है वो कम है। इफ द वेरियंस ऑफ अराइवल टाइम्स एसोसिएटेड विद द टू सर्विसेज आर इक्वल, अगर दोनों की वेरियंसेज यानी फॉर दिस इज इक्वल टू द अदर वन, अगर दोनों की यू नो सर्विसेज के अंदर जो वेरियंस है अराइवल टाइम के अंदर वो सेम है, तो फिर क्या होगा, फिर डलस काउंटी स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर विल सेलेक्ट द कंपनी ऑफरिंग फॉर द बेटर फाइनेंशियल टर्म्स। अगर दोनों के अंदर वो जो टाइम अराइवल टाइम के अंदर वेरियंस आ रहा है वो सेम है, तो फिर वो क्या करेंगे, वो फिर ये देखेंगे कौन सी बस सर्विस पैसे कम ले रही है, दे विल गो फॉर दैट। सो हमारा ये टास्क होगा कि हम ये देखेंगे कि वेदर द पॉपुलेशन वेरियंस फॉर बोथ द बस सर्विसेज आर सेम आर नो। So, however, if the sample data on the bus arrival for two companies indicate a significant difference between the variance, the administrator may want to give special consideration to the company with the better or lower variance service. The appropriate hypothesis follow. इसके अंदर ये कह रहा है कि अगर ऐसा नहीं है, यानी कि दोनों की अगर sample result से आप hypothesis testing पे अगर आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दोनों की जो पॉपुलेशन वेरियंस है वो सेम नहीं है, तो इसका मतलब एक के अंदर लो वेरियंस है, यानी एक के अंदर जो अराइवल टाइम का एरर है वो कम है, सो यू विल गो फॉर दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो वी विल मेक टू यू नो हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सो द स्टेप वन इज गोइंग टू बी टू डेवलप द हाइपोथेसिस। So, यहाँ पर यह है कि आप ये अज्यूम करेंगे कि चले दोनों बसेस अच्छी वेरियंस प्रोवाइड करते हैं, तो आपके पास जो नल हाइपोथेसिस होगा वो आप ये कहेंगे कि लेट्स से कि इन दोनों की जो वेरियंस है वो सेम है, तो फिर आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपको फोर्स करेगा टू बी कि वो दोनों वेरियंसेस सेम नहीं है। दिस इज योर हाइपोथेसिस। और स्टेप टू के अंदर फिर आपके पास कोई सिग्निफिकेंस लेवल होनी चाहिए, वो हम रखते हैं कि सिग्निफिकेंस लेवल क्या होनी चाहिए हमारे पास, अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो अल्फा फॉर दिस केस इज गिवन एज 0.10, यानी 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल जिसमें होता है ना, वो आप 90% वाला केस कर रहे हैं। देन वी हैव स्टेप थ्री। स्टेप थ्री आपके पास होता है जिसपे आप टेस्ट स्टेटिस्टिक कंप्यूट करते हैं, और टेस्ट स्टेटिस्टिक आपका बराबर होता है एफ इक्वल टू एस वन स्क्वायर बाय एस टू स्क्वायर। यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट है, आपके पास एस वन जो है आप उस पॉपुलेशन के लिए यूज करेंगे जो जिसकी सैंपल डेटा ज्यादा है, और एस टू उसके लिए आप यूज करेंगे जिसकी सैंपल डेटा कम है। तो यहाँ पर आपके पास गिवन यह है कि लेट्स चेक आउट द डेटा। Let me check out the data.
सो इट सेज 26 सैंपल लिया जा रहा है फॉर मिल बैंक, और उसकी वेरियंस जो आ रही है वो 48 है. सो मिल बैंक जो है इसका एन जो है वो 26 है, और जो वेरियंस आ रही है एस स्क्वायर वो है आपकी 48. दूसरी कंपनी आपके पास गल्फ पार्क कंपनी थी आई गेस. तो इनकी जो सैंपल आ रही है वो है 16 सैंपल लिया जा रहा है, 16 बसेस को या 16 सैंपल्स लिए जा रहे हैं, और उनकी जो वेरियंस आ रही है वो 20 है. एन इक्वल टू 16 एंड एस स्क्वायर इक्वल टू 20. क्योंकि इसके अंदर जो मिल बैंक है इसके अंदर आपके पास जो सैंपल है वो ज्यादा है, तो आप इसको न्यूमिरेटर में ले जाएंगे यानी एन वन इसको कह देंगे और एस वन स्क्वायर भी इसको कह देंगे, और फिर फ्रॉम देयर यू हैव एन टू एंड एस टू. अब ये डेटा आपके पास अवेलेबल है, इसके बाद आपके पास जो है वो सिंपल एफ टेस्ट स्टेटिस्टिक फाइंड करेंगे, एस वन स्क्वायर यानी 48 डिवाइड बाय 20 व्हिच इज गोइंग टू बी किसके बराबर होगा 2.4840. तो आपका जो टेस्ट स्टेटिस्टिक है वो बराबर है 2.40 के. और डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर दोनों की चेक करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमिरेटर ये आपका 26 माइनस 1 होगा 25, और डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिनोमिनेटर चेक करें तो वो 16 माइनस 1 यानी 15 हो जाएगा. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमिरेटर इज 25, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिनोमिनेटर इज 15. अब आगे चलते हैं हम पी वैल्यू और क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के तरफ, और देखते हैं कि क्या हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं. सो फर्स्ट आई विल बी गोइंग फॉर पी वैल्यू. पी वैल्यू अप्रोच, पी वैल्यू अप्रोच के अंदर आपके पास जो पहले तो आप एरिया फाइंड करेंगे इन द अपर टेल, और फिर उसको क्योंकि टू टेल है तो आप इसको डबल कर देंगे. तो योर पी इज गोइंग टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बीइंग ग्रेटर देन इक्वल टू टेस्ट स्टेटिस्टिक 2.40. तो अब हम चेक करते हैं कि ये वैल्यू क्या हो. एक तो हम इसको चेक कर सकते हैं और इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू टाइम्स ऑफ दिस वो आपकी पी वैल्यू आ जाएगी. एक तो हम इसको कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लाइक डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास एक 25 है और दूसरी 15 है, तो पहले वहां से कैलकुलेट करते हैं यानी फ्रॉम द टेबल एंड देन आई विल शो यू के एक्चुअल वैल्यू क्या है. ओके, सो लेट मी शो यू the table version. You can see that कि आपका जो value है वो है 2.40. 2.40, 2.28 और 2.69 के दरमियान आ रहा है, तो area भी इसके दरमियान आएगा. तो फॉर श्योर हमारा जो एरिया यानी ये जो प्रोबेबिलिटी है एफ की ग्रेटर देन इक्वल टू 2.40, ये प्रोबेबिलिटी इससे बड़ी होगी 0.025 से, फॉर श्योर इससे ज्यादा है, और फॉर श्योर इससे कम है 0.05 से. और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर आप, तो आपके पास ये इस साइड पे आ जाएगा आपको 0.05 less than probability f being greater than equal to 2.40, और ये less होगा 0.10 से. इसका मतलब कि आप की जो p value है वो, ये मैंने multiplication सही की है, yes,
आपकी जो पी वैल्यू है, ये टू से मल्टीप्लाई कर दिया है हमने, तो ये जो पी वैल्यू है आपकी अब वो बिटवीन आ रही है 0.05 और 0.10 से। अल्फा की वैल्यू ऊपर आपकी 0.10 है, तो इसका मतलब जो पी वैल्यू है आपकी वो फॉर श्योर अल्फा से छोटी है, यानी 0.1 से 0 से छोटी है, या आप कहें कि पी जो है वो अल्फा से छोटा है। जब पी की वैल्यू अल्फा से कम है तो इसका मतलब वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथीसिस, वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथीसिस। यू कैन सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एक्चुअली फ्रॉम सॉफ्टवेयर। लेट्स चेक आउट कि पी की वैल्यू थी क्या, 0.1 से छोटी है और you know 0.05 से बड़ी है, and what is the actual value, let's check out that. So we were here and हमने कहा कि हमारे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 25 है, दूसरी 15 है, और हमारे पास जो x की वैल्यू है जिसकी अपर टेल में हम एरिया फाइंड करने चाह रहे हैं, दैट इज 2.40। सो ये आपके पास वैल्यू आ रही है 0.0406। Here we made any mistake, 2.40. 2.40, yeah. Why is that? You know, the area should be 0.05 or 0.025 ke darmiyan hona chahiye. So, 2 times of 0.05, सो हमारे पास जो एरिया आ रहा है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने सही दिया है, 25 और दूसरा 15 है। ओके, 25 एंड 15, सो यहां पर अगर 0.0406 आप पुट कर दें पी वैल्यू के लिए, 2 times 0.406, सो वट एवर द वैल्यू इज, इसको मल्टीप्लाई करें जरा, टू टाइम्स ऑफ 0.0406, दिस इज 0.0812। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये जो पी की वैल्यू आ रही है ये बेसिकली बिटवीन है 0.05 और 0.10। तो ये ओरिजिनल वैल्यू आपकी सॉफ्टवेयर के थ्रू जो मिलेगी वो ये होगी, दैट इज 0.012। इसके बाद फॉर द सेम प्रॉब्लम वी कैन अपील फॉर क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच का आपके पास जो हमने रिजेक्शन रूल बनाया था वो था कि हम रिजेक्ट करेंगे एच नॉट को अगर रिजेक्ट एच नॉट अगर आपका जो एफ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है एफ अल्फा बाय टू के। That was the rejection rule in the case of critical value and when we were using two-tailed test. So, इसका सीधा मतलब ये है कि आपको सबसे पहले f alpha by 2 find करना होगा। तो alpha आपके पास 0.10 है
और फिर आप अल्फा बाय टू फाइंड करेंगे तो वो होगा 0.05। सो आपका जो एफ अल्फा बाय टू है यानी एफ 0.05 की वैल्यू आप चेक करेंगे, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास डी एफ वन जो है वो बराबर है 25 के, और डिग्री ऑफ फ्रीडम डी एफ टू जो है वो बराबर है आपके पास फॉर द डिनोमिनेटर वो 15 के बराबर है। ये हम टेबल से आराम से फाइंड कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ कैन वी फाइंड दिस फ्रॉम टेबल। तो ये हमारे पास है, यहाँ टेबल से हम आराम से फाइंड कर सकते हैं ये वैल्यू। ये आपके पास डी एफ वन जो था डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर न्यूमिरेटर दैट वाज 25 एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डिनोमिनेटर दैट इज 15। सो न्यूमिरेटर के लिए 25, डिनोमिनेटर के लिए 15, और हमारे पास जो एरिया है वो 0.05 चाहिए। तो 0.05 यानी पहले तो ये आपके पास है रीजन, 0.05 का मतलब है ये, और इसको आप अगर ले जाएं यहाँ पर तो ये 2.28 आपका एरिया बन जाएगा। सो 2.28 विल बी दी एफ अल्फा बाय टू वैल्यू फॉर दिस केस। So it's going to be 2.28. So अब आपके पास value f alpha by 2 की आ चुकी है। So now you can see what is your rejection rule. So the rejection rule is, हमने कहा था कि f हमारा greater than equal to f alpha by 2 होना चाहिए, और f alpha by 2 हमने find कर लिया, अभी 2.28 आ रहा है, तो इसका मतलब f should be greater than 2.28। लेकिन हमारे पास जो टेस्ट स्टेटिस्टिक के अंदर एफ की वैल्यू आई थी, इफ यू रिमेम्बर, वो थी 2.40, व्हिच इज फॉर श्योर ग्रेटर देन इक्वल टू 2.20, 2.28। यानी वो जो एफ की वैल्यू हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक में आ रही थी वो हमारी जो है वो ग्रेटर है रिजेक्शन रूल के मुताबिक 2.28 से, यानी वो वेरीफाई यानी वो सेटिस्फाई कर रही है हमारे रिजेक्शन रूल को। तो इसका मतलब है वी विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का क्या मतलब है? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का मतलब है कि बोथ दी बस कंपनीज डू नॉट प्रोवाइड सेम पॉपुलेशन वेरियंस। इसका मतलब है कि किसी एक के अंदर लो वेरियंस है। सो द डलेस स्कूल सिस्टम विल सेलेक्ट द बस कंपनी विद लो वेरियंस। तो इसका मतलब दोनों की जो पॉपुलेशन वेरियंस है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने से पता चल रहा है कि वो डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट है तो अब एक सेलेक्ट करनी होगी जिसकी लो वेरियंस है। वो लो वेरियंस हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी जो है वो लो वेरियंस है? तो इसके लिए आगे हम चैप्टर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह 12, वहां पर भी हम इसी के लिए वो लगा सकते हैं कि हम क्या चेक कर सकते हैं कि यू नो कौन सी जो बस सर्विस है उसकी लो वेरियंस है। सो वी विल सी दैट इफ इफ वी कैन हैव यू नो सम टेस्ट। अदरवाइज इस केस के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ओके लेट्स नॉट डिस्कस दिस नाउ। ये था आपके पास टू टेल टेस्ट का एग्जांपल फॉर पॉपुलेशन वेरियंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर। अभी एक और है अपर टेल टेस्ट का एग्जांपल, वो मैं नेक्स्ट सेशन में कर रहा हूँ वीडियो के अंदर, और उसके बाद फिर हम चैप्टर 12 का स्टार्ट करेंगे, उसके एक एक टॉपिक को कवर करेंगे, देन यू नो वी विल
स्टॉप इट. सो लेट्स लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन फॉर अपर टेल टेस्ट, और फिर अपर टेल टेस्ट के बाद हम जो है वो अटेंडेंस लेंगे, और फिर हम 12 का वो जो एक पोर्शन है वो कवर करेंगे.